16वीं लोकसभा के चुनाव में लगता है विवादित बयानों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इमरान मसूद के बयान के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन ने दिया है शर्मनाक बयान। मायावती और मोदी को लेकर दिए गए नाहिद हसन के बयान के बाद चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है। सुना समझा आपका सिर शर्म से जरूर झुका होगा। यकीन नहीं हुआ होगा कि भावी सांसद ऐसा भी बयान दे सकते हैं। यकीन हमें भी नहीं हुआ, इसलिए हमने फिर सुना और आपको भी सुना रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हुसैन का शर्मनाक बयान। सिर पर समाजवादी पार्टी की टोपी लगा नाहिद हसन मोदी और मायावती के कुवारे होने की बात के चेहरे पर शर्मनाक मुस्कान लाते हैं, फिर राजनीति में रिश्तों की ऐसी परिभाषा लिखते हैं जिसे सुन लोकतंत्र अपना सिर पीट ले। नाहिद हसन की जुबान से बेशर्म बयान की बदबू जब बाहर निकल रही थी, उसी दौरान मंच पर खड़े लोग हंस रहे थे। किसी के चेहरे पर इस शर्मनाक बयान की शर्मिंदगी नहीं नजर आई। इन्हीं समर्थकों की बदौलत समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन अपना परचम लहराने का दावा कर रहे हैं। नाहिद हसन का बयान ठीक उस वक्त आया जब सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने मोदी को वोटी वोटी करने की धमकी दी। मसूद को जेल भी जाना पड़ा। बहरहाल नाहिद हसन के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है। बयान के वीडियो की जांच की जा रही है। कई स्रोतों से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी, तो जो वीडियो क्लिपिंग थी मंगा के देखा गया और उसमें जो शब्दावली थी उससे 171 जी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो किसी के व्यक्तिक शील या आचरण पर आक्षेप हो या उसका संकेत मिलता हो और उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं हो तो उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है। नाहिद हसन के इस बयान पर समाजवादी पार्टी को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। पार्टी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। वो ठीक नहीं है। ये मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं, हमें मालूम नहीं, आप बता रहे हैं, पता करेंगे। मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में ऐसी जुबान के सहारे कब तक नेता अपनी सियासत चमकाते आएंगे? क्या संसद में ऐसी जुबान बोलने वाले नेता ही पहुंचेंगे? आखिर इनकी जुबान पर लगाम कौन लगाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।